हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एच डी ऑनलाइन शाला पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 10 विद्यालय आधारित आकलन की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, शिक्षक नित आकलन से विद्यार्थी नित आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है, वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें। इसका सही उत्तर है, केवल एक ढांचा या फ्रेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण संगठन समकालन संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है। सही उत्तर है, रूब्रिक। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती है। इसका सही उत्तर है, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्तियाँ। अगला प्रश्न है, नीचे विद्यालय आधारित आकलन SBA की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चार कथन दिए गए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहला और चौथा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसका सही उत्तर है, बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। अगला प्रश्न है, साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए। इसका सही उत्तर है, बहुसाक्ष्य। अगला प्रश्न है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है, शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। सही उत्तर है, अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है। सही उत्तर है, ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबंध नहीं है। सही उत्तर है, विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है। सही उत्तर है, MCQ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। सही उत्तर है, विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है, माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। अगला प्रश्न है, आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है। सही उत्तर है, स्व आकलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। सही उत्तर है, कक्षा परीक्षा। अगला प्रश्न, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। सही उत्तर है, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न, कथन एक, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कना समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना। इस प्रकार यहाँ पे और कथन दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर है, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड पैरामीटर नहीं है। सही उत्तर है, बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न, खाली स्थान परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है। सही उत्तर है, रूब्रिक। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है। सही उत्तर है,
असंरचित निबंध। अगला प्रश्न, अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनकी उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है। सही उत्तर है, विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं। सही उत्तर है, दूसरे विद्यार्थी का। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। सही उत्तर है, आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है। इसका सही उत्तर है, प्रत्यास्मरण एवं समझना। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। सही उत्तर है, प्रायोगिक दक्षता। अगला प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। इसका सही उत्तर है, सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। सही उत्तर है, दक्षता आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन एक रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। कथन दो है, इसे आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है, गैर सहभागी है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं है। इसका सही उत्तर है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। सही उत्तर है, एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। अगला प्रश्न है, कथन एक प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। किसी प्रकार से कथन दो भी दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में। सही उत्तर है, सभी पाठ्येतर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि। सही उत्तर है, यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है। इसका सही उत्तर है, विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है। इसका सही उत्तर है, यह केवल सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों एवं रणनीतियों की उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है।